मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने तारीख पढ़ी है और मैंने अपना दीन पढ़ा है, इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में सबसे ज्यादा फर्क एक ही है। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है। वह जिसकी ताकत शहर हुक्मरान है क्योंकि ताकतवर है, सबसे जो कमजोर होता है वो बेचारा छुपता फिरता है, कोई तहफ्फुज़ नहीं है। इंसानी माशरा बनता ही तब है जब कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज़ मिले। मैंने माशरे देखे हुए हैं। छोटी उम्र में बरतानिया गया तो मैंने रूल ऑफ लॉ देखा वहां, और मुझे तब समझ आई कि वो क्यों आगे निकल गए। और पाकिस्तान के अंदर यहाँ कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं था। इलामा इकबाल जैसे ऐसा बड़ा जहन, उसने तसव्वुर दिया इस मुल्क का। मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर इस मुल्क ने खड़ा होना था, इस्लामी फलाई रियासत। तो मदीना की रियासत का असूल तो नंबर वन अदल और इंसाफ था। इंसाफ खुशहाली लेके आता है। जहाद फर्ज है मुसलमानों पे, क्यों? क्योंकि जहाद में आप जुल्म से भागते नहीं है, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाते, जुल्म का मुकाबला करते हैं। यह हुक्म है अल्लाह का। अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हम अपने ऊपर जुल्म कम करते हैं जब जुल्म के सामने खड़े होते हैं। एक माशरे को जिंदा रखने के लिए हम जुल्म का मुकाबला करते हैं। जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जहाद नहीं करती, ये याद रखे, अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हो गई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो।